हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाय। और आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ के बारे में हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये जो टीथ है, इट इज़ एक्टो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। बोलो हाँ या ना। द टीथ इज एक्टो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। बोलो क्या? एक्टो मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। और ह्यूमन टीथ जो है ना, इन ह्यूमन टीथ आर अटैच्ड टू मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन। ये जो जॉ बोन्स होती है ना, मैक्सिला एंड मैंडिबल, इन बोन्स से अटैच्ड होते हैं टीथ। ह्यूमन टीथ आर अटैच्ड टू मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन, ठीक है? अब प्रोसीजर क्या होगा पढ़ने का? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ेंगे। ये जो दांत देख रहे हो, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या इसमें किस चीज़ का बना होता है, क्या इसकी कंपोजिशन होती है, उसके बाद में ह्यूमंस में किस टाइप का डेंटेशन होता है और कौन कौन से टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। That is the content for next video. So in this video we are going to focus on structure of teeth. देखो, अगर आप tooth या singular बोले तो tooth की अगर आप structure को देखोगे तो this structure can be divided into three parts. This structure can be divided into three parts. Three parts: crown, neck and root. बोलो, पार्ट वन इज क्राउन विच इज एक्सपोज्ड या फिर वी कैन से दैट इट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड गम्स। क्राउन, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज क्राउन, इट इज आउटर पार्ट ऑफ द टीथ। क्राउन इज आउटर पार्ट ऑफ द टीथ, दिस इज एक्सपोज्ड आउटसाइड, गाइज दिस इज एक्सपोज्ड आउटसाइड गम्स। ये जो जिंजिवा है, गम है, उसके बाहर होता है क्राउन पार्ट जो हमें दिखता है। Then the next part is neck. जो neck region है, it is embedded inside gums. ये जो neck region है, ये gums के inside embedded होता है। And root वाला region, फिर ये कहाँ होता है? और अंदर होता है क्या? हाँ, और अंदर होता है। ये कहाँ होता है? Inserted inside socket of jaw bone. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉकेट ऑफ जो बोन। देखो, तीन पार्ट हुए ना, एक तो हुआ क्राउन, फर्स्ट वन क्राउन, आउटर पार्ट जो हमें दिखता है एक्सपोज्ड आउटसाइड गम, एंड इनसाइड गम नेक रीजन प्रेजेंट है। इनसाइड रीजन नेक रीजन प्रेजेंट है इनसाइड। देन रूट रीजन जो कहाँ है? जो बोन में एम्बेडेड है। ये सुनो, ओके। सो अब हमें कुछ क्राउन के बारे में पढ़ना है, कुछ बातें बताऊं। देखो, ये जो क्राउन पार्ट है ना, क्राउन ऑफ टूथ इज कवर्ड विद अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड द एनेमल। क्राउन पार्ट, जो टीथ का क्राउन पार्ट होता है, वो एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस जिसको बोला जाता है स्पोरोपोलिनिन। हार्ड सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन भी होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है वो होता है नहीं, एनेमल होता है। सो एनेमल, ई एन ए एम ई एल, दिस इज एनेमल। द क्राउन पार्ट होता है वो एनेमल से कवर्ड होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है एनेमल, ठीक है? इसको बोला जाता है, इसको एनेमल को बोला जाता है कि ये हार्डेस्ट मटेरियल है। दिस इज हार्डेस्ट मटेरियल इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हार्डेस्ट मटीरियल है। और प्लांट किंगडम में स्पोरोपोलिनिन, एक्साइन की जो कवरिंग होती है ना सीड में, दैट इज। सो एनिमल इज हार्डेस्ट मटेरियल इन एनिमल किंगडम, ओके। और तुम्हें पता है, अगर मैं इंडिविजुअली इस एनिमल की बात करूं तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। अगर मैं इंडिविजुअली एनिमल की बात करूं तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। और एनिमल के अलावा बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इस टीथ के अंदर, इस टूथ के अंदर, वो सारी की सारी क्या है? मीजोडर्मल है। यानी केवल एक ही एनिमल है जो एक्टोडर्मल है, बाकी सारी मीजोडर्मल है। सो रेस्ट फ्रॉम मीजोडर्म, रेस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, ओनली एनिमल इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। So this is a very important question. Ectodermal in origin. Animal is hardest material in animal kingdom.
अब बताऊंगा ये एनिमल सिक्रीट कौन करता है, कौन बनाता है ये एनिमल? एनिमल इज सिक्रीटेड बाय अमीलो ब्लास्ट सेल्स। अमीलो ब्लास्ट सेल्स क्या बनाती हैं? एनिमल बनाती हैं अमीनो ब्लास्ट सेल्स, सिक्रीट एनिमल। अमीनो ब्ला अभी तो बोला था कि एक्टोडर्म बनाती हैं। अमीनो ब्लास्ट सेल्स आर एक्टोडर्मल सेल्स विच फॉर्म एनिमल। सही लग रहा है? ओके, नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस एनिमल? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी क्वेश्चन फॉर्मिंग चीज है, यहां से क्वेश्चन देखना। इनऑर्गेनिक सॉल्ट 96%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज 96% आर मेनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड ऑफ कैल्शियम। आपसे पूछ लिया जाएगा कि टीथ के अंदर कौन से दो मेन मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन में करना कैल्शियम और फॉस्फेट, जहां पर आपको दिखे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फोरस, जहां पे आपको दिखे। इसके अंदर 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, और ये कौन से सॉल्ट्स होते हैं? ये फॉस्फेट्स होते हैं, ये फॉस्फेट्स होते हैं जो कैल्शियम के साथ प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। और 3% वाटर भी होता है एनिमल के अंदर, 3% वाटर भी होता है एनिमल के अंदर, 3% वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन एनिमल। एंड एक चीज होती है डेंटाइन। व्हाट इज दिस डेंटाइन? इट इज द मेन पार्ट ऑफ टूथ। डेंटाइन इज द मेन पार्ट ऑफ टूथ। क्या है? देखिए डायग्राम समझिए, जरा डायग्राम को गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी फोकस ऑन दिस डायग्राम। यू नो दिस डायग्राम इज अबाउट, यहाँ पर आपको पता है क्या इट इज, मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है? मैंने यहाँ पर सेक्शन ऑफ मैंडिबुलर या फिर लोअर मोलार ड्रॉ कर रखा है। एक टीथ का टाइप होता है मोलार टीथ, जैसे प्री मोलार, मोलार, इंसीजर, कैनाइन, वैसे मोलार टीथ है। तो मैंने लोअर जो जो बोन है ना मैंडिबल, उसका मैंने एक मोलार टीथ यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। देखो सो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले एनिमल दिख रहा है, ठीक है? सो जो ऊपर वाला पार्ट है एनिमल, जो एक्सपोज्ड है क्राउन, देन नेक, देन रूट, ठीक है? अब यहां पर ये रीजन है डेंटाइन। मैंने बोला था ये मेन पार्ट होता है टूथ का। डेंटाइन क्या होता है? ये मेन पार्ट होता है टूथ का। दिस इज मेन पार्ट ऑफ टूथ। डेंटाइन को मेन पार्ट ऑफ टूथ भी बोला जाता है। देन ये साइड में क्या है? ये ब्लैक ब्लैक दिस, ये मसूड़े हैं, जिंजाइवा, गम। ओके, देन दिस इज सीमेंटम, दिस इज सीमेंटम। यहां पर क्या प्रेजेंट है? सीमेंटम प्रेजेंट है, ठीक है? एंड एज द नेम इंडिकेट, व्हाट इज द फंक्शन दैट इट सर्व्स? इट होल्ड्स द टीथ। देन देयर आर पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। व्हाट द फंक्शन पेरियोडोंटल लिगामेंट्स डू? दे ऑल्सो डू द फंक्शन सेम एज द सीमेंटम। देन यहां पर एक होल बोल सकते हो, या फिर आप एक ओपनिंग बोल सकते हो, या फिर फोरामेन बोल सकते हो। यहां पर एक एपिकल फोरामेन प्रेजेंट होता है दोनों जगह, यहां पर देख रहे हो आप। ये क्यों होता है? क्योंकि इन एपिकल फोरामेन के थ्रू ही इस टूथ के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। इस एपिकल फोरामेन के थ्रू ही यहां पर नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। सुनाई दे रहा है? एपिकल फोरामेन के थ्रू ही नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। नर्व सप्लाई इन ग्रीन यू कैन सी, एंड ब्लड सप्लाई इन रेड यू कैन सी। नाउ ये यहाँ पर ये देखो, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो पल्प होता है, यहाँ पर ये जो कैविटी बनती है ना, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, कैपिलरीज हैं, नर्व सप्लाई है, इस कैविटी को बोला जाता है पल्प कैविटी, और यहां पर पल्प प्रेजेंट होता है।
ओके, देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट ओवर हेयर, पल्प प्रेजेंट ओवर हेयर इन पल्प कैविटी, सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट जोड़ने का काम, एपिकल फोरामेन, देन दिस इज रूट कैनाल। जो ये कैनाल है, ये रूट का पोर्शन है, यहाँ पर ये कैनाल है जो नर्व्स को और ब्लड सप्लाई को ले जाती है। सो इस कैनाल को बोला जाता है रूट कैनाल, क्योंकि रूट रीजन में प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अगेन वी कैन रिवाइज इट, एनिमल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल किंगडम। देन आपने क्राउन देख रहे हो ना, दिस इज क्राउन पार्ट विच इज एक्सपोज्ड, देन नेक पार्ट, और ये जो रूट पार्ट है ये बोन में एम्बेडेड होता है, ठीक है। देन दिस इज रूट कैनाल जो नर्व्स को सप्लाई को कैरी कर रही है, एपिकल फोरामेन, पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड सीमेंटम, व्हाट द फंक्शन दे डू, दे अटैचेस द टूथ विथ द बोन, यहाँ पर अटैच करने में हेल्प करती है, होल्ड रखने में हेल्प करती है। दिस इज पल्प इन पल्प कैविटी जिंजाइवा, एंड द मेन पार्ट ऑफ टूथ इज, याद रखें क्या है मेन पार्ट, जिंजाइवा, सॉरी इट इज डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है, पल्प कैविटी प्रेजेंट है। डेंटाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है, पल्प कैविटी प्रेजेंट है। पता चल गया डेंटाइन को मेन पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये पल्प कैविटी प्रेजेंट है, जहाँ पर इस टीथ के सर्वाइवल के लिए पूरा देखो क्या इंतजाम है, नर्व्स हैं इसके सेंसेशन के लिए, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। सो चलिए फ्रेंड्स, अगला बाकी का इसका जो पार्ट है टाइप्स ऑफ टीथ वगैरह ये कवर करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।